हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सोनी स्पीकिंग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ये जो आप यहाँ जो कंडीशन देख रहे हैं, ये जो कंडीशन हमारे घरों पर खो जाती है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को अगर आप जब घर को दोबारा रिपेयर कराते हैं, तो हम ऐसा अक्सर बोलते हैं कि मुझे घर की रिपेयरिंग करानी है या मुझे घर की सर्विस करानी है इस कंडीशन को देखते हैं। लेकिन इस कंडीशन को घर की सर्विस कराने के लिए हम सर्विस नहीं कहते। जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो आपका रिपेयर सही है, आपका सर्विस सही है, लेकिन जब आप घर की मरम्मत कराते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है रिनोवेट। उस रिनोवेट का मतलब होता है घर का नवीनीकरण कराना, या घर को जहाँ टूट फूट हो गई है उसकी दोबारा से मरम्मत कराना, उसको हम कहते हैं रिनोवेटिंग। जैसे मैंने कहा कि मैं रिनोवेटिंग करा रहा हूँ, तो सेंटेंस में होगा आई एम गेटिंग माई हाउस रिनोवेटेड। अब आप यहाँ पर गेटिंग क्यों आ गए, क्योंकि मैं काम करवा रहा हूँ, खुद तो नहीं कर रहा। अगर मैं करूँगा तो मैं कहूँगा आई एम रिनोवेटिंग, मतलब मैं कर रहा हूँ मरम्मत इसकी, लेकिन किसी से करवा रहा हूँ तो वहाँ पर गेट का प्रयोग है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, आई एम गेटिंग माई हाउस रिनोवेटेड, मैं अपने घर की सर्विस करा रहा हूँ या उसको नवीनीकरण यानी उसको नया रूप दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और जैसे आप यहाँ एक कंडीशन आप दूसरी देख रहे हैं, फिर ये वही सिचुएशन है यहाँ भी, तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको रिनोवेशन की ज़रूरत है, यानी कि इसको नवीनीकरण की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हम रिनोवेट वर्ड का यूज़ करेंगे। मैंने कहा मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा है, मतलब उसकी मरम्मत हो रही है, माई हाउस इज बींग रिनोवेटेड, यानी कि मेरे घर की रिनोवेशन हो रहा है, उसका नवीनीकरण हो रहा है। सो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आप पे डाउट है आप कमेंट में रखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।